पुलिस स्टेशन अंतर्गत डकैती की फिराक में बैठे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने तलवार, हथौड़ा, चाकू आदि बरामद कर उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत डकैती के फिराक में बैठे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने तलवार, हथौड़ा, चाकू और बरामद कर उन पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में रितेश कालिया और विक्की खोबरागड़े, सौरभ भीमराव चौहान, उपदेश सोमकुंवर, विधि संघर्ष बालक एवं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। इनमें से रितेश कालिया और सौरभ भीमराव चौहान के खिलाफ पहले से ही 302 का मामला भी दर्ज है, ऐसी जानकारी है। आम्हाला गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती प्राप्त झाली की टीबी वॉर्ड परिसरात काही लोक हे दरोडा घालण्याच्या तयारीमध्ये आहेत, याची माहिती मिळाल्यानंतर सदरची माहिती आम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वाघमारे साहेब यांना देऊन डीबी पथकासह त्या ठिकाणी रवाना झालो। त्यावेळी टीबी वॉर्ड परिसरामध्ये आम्हाला 4 आरोपी, रेकॉर्डवरून 4 आरोपी हे दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना मिळून आले। त्यापैकी एक आरोपी हा विधी संघर्षग्रस्त बालक असून त्यास आम्ही त्याच्या पालकांच्या ताब्यात दिलेले आहे व एक आरोपी हा फरार झालेला आहे, त्याचं नाव सनी गायकवाड असे आहे। त्यांच्याजवळून एक लोखंडी तलवार, 2 चाकू, 1 हथोडा असे हत्यारे जप्त करण्यात आले असून सदरच्या आरोपींच्यावर यापूर्वीसुद्धा मर्डर, जबरी चोरी, खुनाचा प्रयत्न इत्यादी गुन्हे दाखल आहेत। सध्या ऋतिक खोबरागडे, सौरभ चव्हाण, उद्देश सोमकुंवर हे आरोपी अटक असून सध्या पोलीस कोठडीत आहेत, अधिक तपास चालू आहे। आपको बता दें कि सभी 5 आरोपी टीवी वार्ड के पास चाकू, तलवार, हथौड़ा लेकर बैठे हुए थे और संदेह की दृष्टि से देखने पर इनके पास से पुलिस ने सभी चीजें बरामद की हैं। आगे की जांच इमामवाड़ा पुलिस कर रही है। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।